अगर आप देखोगे निफ्टी को तो अभी प्राइस चल रहा है 18,137 का। तो मेरा इसमें प्लान क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका ब्रेकडाउन आया है, यहाँ पे रिटेलर सेंटर हो रहा है, दूसरी बात ये जोन का भी ब्रेकडाउन आया है और ये जोन का भी ब्रेकडाउन आया है। तो अब इसमें तीन रीजन हो गया रिटेलर्स को इसमें सेल करने का। तो मेरा सिंपल सा प्लानिंग क्या रहेगा गाइस कि यहाँ पे जितने ज्यादा रिटेलर सेंटर होंगे ना उतना हमारे लिए फायदा होगा, ज्यादा स्टॉप लॉसेस ऊपर मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बना लेता हूँ गाइस इस कैंडल पे, मेरा बस स्टॉप लॉस इसमें 8 रुपीज का है और मैं इसमें 1:2 का टारगेट बनाऊंगा, देखते हैं इसमें हिट होता है या नहीं। देखो जब भी ऐसा होता है ना गाइस कि अगर ब्रेकडाउन आया और उसके बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है तो समझ जाओ कि ये रिवर्स होने वाला है और यहाँ पे लोग ट्रैप होने ही वाले हैं। तो मेरा बस सिंपल सा स्ट्रेटजी है कि छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे और ये सारे लोग जो भी नीचे सेल किए हैं उनका सिंपल सा स्टॉप लॉस मुझे ऊपर दिख रहा है, बस इनका स्टॉप लॉस हिट करना है मुझे और इनका स्टॉप लॉस हिट होगा हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। आप देख सकते हो इसके ऊपर, देख रहे हो गाइस, देख रहे हो ये होता है स्टॉप लॉस हंटिंग गाइस। देखो कैंडल का साइज, ओके गाइस आप देख सकते हो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करता है। इसके ऊपर भी जा सकता है क्योंकि ये नीचे जितने लोग